ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी रिवर हो या वाटर बॉडी हो, अगर वो पर्टिकुलर एक चैनल पे लगातार फ्लो कर रही है, चैनल मतलब कोई एक रीजन है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना रिवर्स के रिगार्डिंग या ड्रेनेज के रिगार्डिंग, जैसे कि आप पढ़ोगे कोई कई वर्ड्स पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर, जैसे कि एक हो गया चैनल, ठीक है, एक पढ़ेंगे कोर्स, कोर्स ऑफ रिवर, कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है, एक वर्ड पढ़ेंगे सोर्स, पहले ये सब समझो बेसिक चीजों को, सोर्स, एक वर्ड आएगा माउथ, क्या आएगा, सोर्स एंड माउथ, ठीक है, फिर वर्ड देखेंगे हम लोग ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। थोड़ा सा पहले वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बताऊंगा, फिर आपको इंडिया के रिस्पेक्ट में आऊंगा, ठीक है। तो रिवर्स में ऐसे कुछ वर्ड्स बार बार आएंगे और इन वर्ड्स का आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है चैनल। चैनल क्या होता है, एक पाथ होता है जिसमें पर्टिकुलर रिवर फ्लो करती है, पाथ वेयर द रिवर फ्लो, एक वो पाथ जिसमें रिवर फ्लो करती है उसको क्या बोलते हैं, चैनल। लिखते हुए चलो ना इसको, ठीक है, जो एक पाथ है उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, चैनल बोलते हैं, ठीक है। ड्रेनेज क्या होता है, फ्लो ऑफ रिवर इन द वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड चैनल। नदी जब एक पर्टिकुलरली पूरा कंप्लीटली बने हुए चैनल पे, प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज चैनल पे बहती है, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं। तो ड्रेनेज क्या होता है, फ्लो ऑफ रिवर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड चैनल, फ्लो ऑफ रिवर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड चैनल। अभी समझ आया, ठीक है। तो वो पाथ जिससे फ्लो होकर रिवर जा रही है उसको क्या बोलते हैं, चैनल, ठीक है। और चैनल का पूरा स्ट्रक्चर जहां पर पूरा रिवर फ्लो कर रही हो क्या कहलाएगा, ड्रेनेज कहलाता है। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है फिर, व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम। और जब इस तरह के चैनल का आपस में नेटवर्क बनता है, तो द नेटवर्क ऑफ अ चैनल, सपोज करो कि एक चैनल ऐसा है पूरा, एक रिवर कुछ इस तरीके से बहकर ऐसा जा रही है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ऐसे ही और चैनल्स आकर इसमें मिल जा रहे हैं जो क्या कहलाते हैं, ट्रिब्यूटरीज, वेरी गुड, है ना। जब ये क्या होगा, इस तरह के चैनल का क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा, उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। तो लिखोगे इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज चैनल, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज चैनल, ठीक है। तो वो क्या है, ड्रेनेज चैनल का आपका एक नेटवर्क होता है, ठीक है। फिर होता है कोर्स ऑफ रिवर। कोर्स ऑफ रिवर मतलब रिवर का जो फ्लो है फ्रॉम सोर्स टू माउथ, उसके बीच में जैसे नदी फ्लो हो रही है, यहां तो हम उस लैंड की बात करते हैं, वो लैंड कैसा है, दिस इज अबाउट द लैंड एंड द टोपोग्राफी। कोर्स ऑफ रिवर मतलब कि रिवर किस तरीके से वो फ्लो कर रही है। तो रिवर को हम तीन कोर्स में बांटते हैं, यूथफुल, मैच्योर एंड ओल्ड। तो कोर्स ऑफ रिवर क्या होगा कि सपोज करो जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है, एक जगह से रिवर निकलती है, रिवर की जहां से ओरिजिन होती है उसको क्या बोलते हैं, सोर्स, ठीक है। रिवर जहां से ओरिजिन होगी वो सोर्स, फिर रिवर यहां से फ्लो करते हुए जाएगी और जहां पर ये अपने पानी को ड्रेन करेगी इस जगह को बोलते हैं माउथ, ठीक है। जहां पर रिवर अपने आप को ड्रेन करती है उस जगह क्या बोलते हैं, माउथ। और इन बिटवीन ये जो फ्लो कर रही है ये क्या कहलाएगा, कोर्स ऑफ रिवर, ठीक है। जिसमें हम लोग अक्सर रिवर को तीन कोर्स में डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स। एक अदर टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं, यूथफुल स्टेज ऑफ अ रिवर, यूथफुल स्टेज, इसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज, और इसको बोलते हैं ओल्ड सिनाइल स्टेज, SENILE, ओल्ड सिनाइल, ठीक है। अपर, मिडिल एंड लोअर, सोर्स टू ड्रेन, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन टू ड्रेन और सोर्स टू माउथ, ठीक है। तो जैसे कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, सभी रिवर्स की क्या है, माउथ हैं, और सोर्स क्या है, हिमालयन माउंटेन्स,
ये हो रहा है, ठीक है। तो कहीं पर उसको सोर्स बोलते हैं और किसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे? किसको? मिडिल कोर्स, मैच्योर स्टेज। अपर को बोलते हैं यूथफुल, मिडिल को बोलते हैं मैच्योर, लोअर को बोलते हैं ओल्ड सिनाइल, ठीक है। ओल्ड और सिनाइल स्लैश किया ना मैंने, सिनाइल, सिनाइल मतलब भी ओल्ड होता है। कभी आ जाए ओल्ड का सिनोनिम्स लिखो, या तो आप लिख क्या होगे, सिनाइल, ओल्ड को सिनाइल भी बोलते हैं, ठीक है। ये समझ आया कुछ बेसिक टर्म्स? पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज को सीखना जरूरी है ना। अब रिवर जो है वो कम्प्लीटली फ्लो कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज, ठीक है। और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम में हर रिवर एक जैसे नहीं फ्लो करती है कि कहीं से चालू हुई और एक जैसे जा रही है, अलग अलग तरीके से फ्लो होती है। तो हर रिवर अपना एक पैटर्न ऑफ फ्लो होता है उसका, जिसको बोलते हैं ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि है आपका ड्रेनेज पैटर्न। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो ड्रेनेज पैटर्न में पहले कुछ बेसिक ड्रेनेज टाइप्स को समझते हैं, ठीक है। एक होता है उसमें कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। क्या होता है? कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज। पैटर्न एक होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट सबसिक्वेंट। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज क्या होता है, मैं इसको लिखवा ना, मैं सबसे बता रहा हूँ बेसिक तरीके से, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। एक एक लाइन लिख लेंगे। तो जब कोई रिवर जिस भी टोपोग्राफी में फेयर है, अगर उसके ओरिजिनल स्लोप को फॉलो कर रही है, जिस तरह का भी स्लोप है, ओरिजिनल स्लोप नहीं, सपोज करते हैं ये एक माउंटेन है और माउंटेन का स्लोप क्या है, इधर है। तो रिवर अपने स्लोप को फॉलो करते हुए अगर बह रही है, जो भी लैंड है उसके स्लोप के हिसाब से वो बह रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज या कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है ना। तो व्हेन रिवर फ्लो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट स्लोप, व्हेन द रिवर फ्लोज अकॉर्डिंगली टू द प्रेजेंट स्लोप, अगर वो स्लोप के साथ ही बह रही तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्वेंट रिवर। जैसे कि क्या है, रिवर गंगा, और बहुत सारे हैं, ऐसे एग्जांपल में एक लिख लो, गंगा, ठीक है, जो स्लोप के साथ बहती है, प्रेजेंट स्लोप, तो ये स्लोप है और वो स्लोप के हिसाब से ही बह रही है, उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज या कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है। एंटीसीडेंट या सबसिक्वेंट रिवर क्या होती है, वो होती है जो अपने ओरिजिनल स्लोप को फॉलो करती है, और इट विल फ्लो इन इट्स ओरिजिनल स्लोप, ठीक है। तो ये अपने ओरिजिनल स्लोप पे ही बहेगी, ये ओरिजिनल स्लोप में बहे ना बहे उसकी बात अलग है। ओरिजिनल स्लोप मतलब सपोज करते हैं पहले एक यहाँ पर क्या था, रॉक था ऐसा, ठीक है, ऐसा कोई रॉक स्ट्रक्चर बना हुआ था और रिवर यहाँ से फ्लो करके जाती थी, ठीक है। रिवर यहाँ से क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी। विथ टाइम क्या हुआ, यही रॉक अपलिफ्ट हो गया, उठ गया। उठने के कारण क्या हुआ, सपोज करते हैं ये एंगल ऐसा पड़ गया कि इधर से प्रेशर आया इसको, ऐसे दो रॉक थे वो फ्लो होकर आती थी, अब ये इतना बीच में इन दोनों के टकराव हुआ तो ये उठ से गए, तो उठने के कारण स्लोप इधर बन गया, यही हुआ, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि ये रॉक था, अब ये रॉक का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हो गया, यहाँ से वो अपलिफ्ट हो गया, तो रिवर ऐसा नहीं होगा कि अब रिवर जो आके यहाँ से फ्लो होती है इधर नहीं फ्लो करेगी, वो रिवर क्या करेगी, इसको कट अक्रॉस करके भी वो अपने ओरिजिनल स्लोप को फॉलो करेगी। जैसे कि क्या है, रिवर इंडस, इंडस और सतलज क्या करें, हिमालय का स्लोप किधर है, साउथ और ईस्ट, पर वो किधर जा रहे हैं, तो इंडस सतलज जो हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, वो टाइप ऑफ एंटीसीडेंट रिवर है जो अपने ओरिजिनल स्लोप में बहते हैं, क्योंकि जो इंडिया का इनिशियल स्लोप है वो उधर ही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू का, पर क्या हुआ, विद टाइम जब हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ तो स्लोप चेंज हो गए, पर ये रिवर में इतना पावर था कि ये क्या कर पाए, उस समय माउंटेन जब हाइट उसका बढ़ रहा था तो माउंटेन को वो कट अक्रॉस कर पाए उसी के साथ साथ, एक दिन में तो माउंटेन बढ़ नहीं गया,
तो माउंटेन भी बनता गया और रिवर उसको कट करते गए, तो रिवर अपने आप को मैनेज कर गए कि वो बीच से निकल गए, ठीक है। तो दे फॉलो देयर ओरिजिनल स्लोप, तो दिस रिवर फॉलोज फ्लो इन द ओरिजिनल स्लोप इफ द ओरिजिनल स्लोप इज चेंज्ड चेंज देन इवन दे कट अक्रॉस द न्यू लैंड मास एंड फ्लोज इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। समझ आया? एग्जाम्पल क्या है? इंडस एंड सतलज। आई रिपीट, दिस रिवर फ्लो इन द ओरिजिनल स्लोप इफ द ओरिजिनल स्लोप इज चेंज्ड देन इवन दिस रिवर कट अक्रॉस द न्यू लैंड मास एंड फ्लो इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। क्लियर है? जैसे कि कौन सी रिवर है? इंडस एंड, ठीक है। ये होते आपके दो बेसिक टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट एंड सब्सिक्वेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसके ऊपर बाकी सारे ड्रेनेज पैटर्न बनते हैं, वो चाहे कॉन्सिक्वेंट का हिस्सा हो चाहे वो एंटीसीडेंट का हो, बाकी जितने भी ड्रेनेज पैटर्न है एक्चुअल में इन दोनों के। तो ये क्या है? ये बेसिक ड्रेनेज पैटर्न है, ये तो होगा ही होगा हर रिवर में, इसके साथ रिवर के और तरीके के ड्रेनेज हो सकती है, ठीक है ना। तो इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, इंडस एंड सतलज बना ली, लिख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या छूट गया है? कट अक्रॉस द न्यू लैंड मास एंड फ्लो इन द ओरिजिनल डायरेक्शन। चल अब देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। तो उसमें एक फेमस ड्रेनेज पैटर्न है जिसको बोलते हैं डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न, हिंदी में इसका नाम है वृक्षाकार बोलते हैं। तो वृक्षाकार से आपको क्लियर हो जाएगा, क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक ड्रेनेज। ठीक है, क्या होता है? डेंड्राइटिक ड्रेनेज, ठीक है। और सबसे कॉमन ड्रेनेज पैटर्न यही होता है सभी रिवर्स का, सबसे कॉमन होता है। इसमें क्या होता है? मेन रिवर एक क्या होगी? मेन रिवर होगी, ये उसका सोर्स है सपोज करते हैं, और ये उसका माउथ है। तो एक मेन रिवर होगी, तो मेन रिवर से इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ऑल द ट्रिब्यूटरीज ऑफ अ सेंट्रल मेन रिवर ज्वाइन द पर्टिकुलर रिवर आफ्टर रनिंग पैरलर टू इट। तो ये इसके साथ पैरलर फ्लो कर रही होंगी और आगे चलकर आकर इस पर मिल रही होंगी, ऐसा कुछ। तो इट लुक लाइक अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, ऐसे दिखता है ट्री का अगर नीचे से देखें तो, कुछ इस तरीके से ये सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिल रही होंगी ऐसा, ठीक है। ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं एंड दिस ट्रिब्यूटरीज मीट द मेन रिवर एट एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मेजरली जो होता है लेस देन 60 डिग्री एंगल पे वो जाकर उससे मिलते हैं, और इस तरह के पैटर्न को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। वैसे तो 90 डिग्री से नीचे सारा ही एक्यूट एंगल है, ठीक है, पर जो ज़्यादा दिखते हैं वो यहाँ दिखते हैं। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर मेन रिवर से उसकी ट्रिब्यूटरीज किस में मिल रहे हैं? एक्यूट एंगल पे मिल रहे हैं और वो उसके साथ पैरेलल फ्लो करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। लिख लोगे ना इसको अपने वर्ड्स में? उसको लिखवा नहीं रहा हूँ, उसको अपने वर्ड्स में लिखिए, ठीक है। और इसके एग्जांपल कौन से हैं? बहुत सारे रिवर्स हैं, इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सभी महानदी है। डेंड्राइटिक तो मेरे ख्याल से सभी रिवर में है लगभग, लिख लो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ठीक है। और इसमें भी ऐसा होगा, ट्रिब्यूटरीज के ट्रिब्यूटरीज भी होंगे, वो भी इसके आके पैरेलल मिल रहे होंगे, ऐसा। इसके भी अगर ट्रिब्यूटरीज हो छोटे मोटे, जैसे गोदावरी की इंद्रावती की ट्रिब्यूटरी उससे आके मिल रही है, देखते हो ना ऐसे ही होता है, तो उस तरीके से होगा, ठीक है। तो इट लुक लाइक अ ट्री, ये मेन रिवर है और बाकी क्या है? उसके ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरी पता तो ना, ट्रिब्यूटरी क्या होता है? हाँ, ये भी नहीं पता मत बोलो,
फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। पता है ट्रिब्यूटरी क्या होता है? कौन डिवाइड हो जाता है? रिवर डिवाइड हो जाता है वो ट्रिब्यूटरी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी भी नहीं पता है? इस रिवर्स में आके जो छोटी छोटी रिवर्स मिल रही है उसको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। और जब यही मेन रिवर आगे चलकर क्या होगा, छोटे छोटे ब्रांचेस में अगर डिवाइड होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है? डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, डेंड्राइटिक के बाद नेक्स्ट आता है आपका पैरलर ड्रेनेज पैटर्न। पैरलर नाम से ही क्लियर होगा फिर तो। क्या बोलते हैं इसको? पैरलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, पैरलर ड्रेनेज पैटर्न। पैरलर ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। तो पैरलर ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि रिवर आपस में कई रिवर होंगी, क्यों ऐसा कोई लैंड सरफेस बना होगा। सपोज करते हैं ये कोई एक लैंड फॉर्म है। अब इस लैंड फॉर्म में कुछ ऐसा सरफेस बन रहा है, ये लैंड आपस में ब्रेकड है यहां से बीच बीच से ना। ठीक है, तो ये क्या है, ये मान लेते हैं कोई एक लैंड फॉर्म है ये पूरा का पूरा। ठीक है, और इसके बीच क्या हो रही है कि इसके बीच के रीजन को इस तरीके से रिवर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई एक लैंड फॉर्म है जिसके ऊपर एक इलॉन्गिनेटेड सरफेस है, और उस सरफेस में ही क्या हो रही है, ऐसा एक लंबा सरफेस है और उस सरफेस में कुछ रिवर्स आपस में पैरलर चल रही है। इसको बोलते हैं पैरलर ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, हमेशा कहाँ बनेगा? पैरलर इलॉन्गिनेटेड सरफेस या पैरलर इलॉन्गिनेटेड लैंड फॉर्म पे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर रिवर फ्लो कर रही है आपस में तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैरलर ड्रेनेज। तो वेस्टर्न घाट से निकलने वाली जो रिवर है वो लगभग क्या है, क्योंकि देखो इस तरीके से हमारे पेनिनसुला प्लेट्यू, तो यहाँ पर क्या बह रही होगी? गोदावरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो अगर ये इनका सिस्टम पूरा देखें वेस्टर्न, तो रिवर फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स। अब ऐसा नहीं हो सकता कि गोदावरी इज एन एग्जांपल ऑफ पैरेलल ड्रेनेज, वैसा नहीं होगा। गोदावरी अपने आप में डेंड्राइटिक है, पर ये सबका अगर पैटर्न को देखेंगे, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये सब मिलकर क्या बन रहे होंगे? पैरेलल ड्रेनेज। समझ आ रहा है? तो गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, ये तीनों के तीनों मिलकर क्या बनेंगे? दिस थ्री आर द एग्जांपल ऑफ पैरेलल ड्रेनेज। पर गोदावरी अपने आप में क्या है? डेंड्राइटिक है। कृष्णा अपने आप में डेंड्रियाटिक है, पर ये जो लैंड फॉर्म के कारण, तो ये बोल, इसलिए इसमें एग्जांपल गोदावरी, कृष्णा, कावेरी देता हूँ, लेकिन एग्जांपल क्या होगा इसका? रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट, इनका नाम ये लिखोगे, रिवर फ्लोइंग फ्रॉम वेस्टर्न घाट। ठीक है, बना लो डायग्राम को फटाक से। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो ये था आपका पैरलर ड्रेनेज। पैरलर के बाद आता है रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। राइट एंगुलर ड्रेनेज, ठीक है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या होता है कि एक मेन रिवर है, सपोज करते हैं जितने भी टर्न हो रहे हैं वो सब राइट एंगल में हो रहे होंगे। एक मेन रिवर होगी, उसके सारे टर्न्स कहां पर हो रहे होंगे? राइट एंगल पे ही हो रहे होंगे। ठीक है, मतलब यहां पर रॉक का अरेंजमेंट ही ऐसा होगा कि वो जॉइंट रॉक्स होंगे और उसी जॉइंट रॉक के आसपास ही रिवर क्या हो रहा होगा, फ्लो हो रहा होगा। इस तरीके से रॉक आपस में जॉइंट होंगे।
ठीक है, तो जॉइंट रॉकी टेरेन के आसपास कुछ इस तरीके से। अगर टेरेन ऐसा है कुछ इस तरीके से तो क्या हो रही है, देखो ये एक रिवर है जिसका सारा टर्न क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टर्न हो रहा है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, सपोज करते हैं ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी है, तो सारी ट्रिब्यूटरीज जो होंगी वो सपोज करते हैं यहाँ से एक ट्रिब्यूटरी आके यहाँ मिल रही होगी, ऑल द ट्रिब्यूटरी विल मीट एट राइट एंगल, सारे रिवर्स जो हो रहे होंगे वो एक दूसरे से राइट एंगल पर मिल रहे होंगे। सो दिस इज माई मेन रिवर, ठीक है, ये मेन रिवर है और बाकी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो ऑल द ट्रिब्यूटरीज विल मीट द मेन रिवर एट द राइट एंगल, ठीक है। और ये कहाँ पर बनेगा, जॉइंट रॉकी टेरेन में, जहाँ पर पथरीला भूमि होगा वहाँ पर ये मिलेगा, ठीक है, जॉइंट रॉकी टेरेन में इस तरह का रेक्टेंगुलर ड्रेनेज मिलेगा, ठीक है। और ये खासकर कहाँ मिलता है इंडिया में, विंध्यन माउंटेन रेंज पे, ये जो यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, यमुना तो इस तरीके से फ्लो के चले जाती है, पर इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज आकर क्या मिलती हैं, इस तरह से राइट एंगल में मिलती हैं, ठीक है, नीचे से आके मिल रही हैं। तो वो टेरेन ही ऐसा है, वो अगर जाएंगी भी तो ऐसे से जाती हैं, ठीक है, तो चंबल ऐसे फ्लो करता है क्योंकि वो क्या पूरा रवाइन लैंड और ऐसे ही बना हुआ है, चंबल पूरा बीहड़ है। तो इसकी एग्जाम्पल क्या है, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज, ट्रेलिस, क्लियर है, ट्रेलिस ड्रेनेज को समझना अच्छे से। ये तो क्या था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटरी और ट्रिब्यूटरी पे, पर वहां पर एक अच्छे से समझना चीजों को। ट्रेलिस ड्रेनेज में क्या होगा, पहली बात तो एक मेन रिवर होगी, मेन रिवर, इस मेन रिवर की एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होगी जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है, तो एक मेन रिवर होगी उसकी एक ट्रिब्यूटरी होगी, इस तरीके से कोई ट्रिब्यूटरी होंगे प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो उसके साथ पैरेलल होंगे, तो मेन रिवर उसकी एक प्राइमरी ट्रिब्यूटरी होगी, जो उससे पैरेलल फ्लो कर रही होंगी, जैसे कि ये हो गया, और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज होंगी, जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, वो उससे आकर राइट एंगल पे मिलेंगी, तो गंगा इज एन एग्जांपल। अब इसमें यमुना को नहीं लिख देना है क्योंकि मेन रिवर कौन है, ये इसका है, तो मेन गंगा, और गंगा की प्राइमरी ट्रिब्यूटरी यमुना, और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है वो उससे राइट एंगल में मिल रही है, तो ट्रेलिस ड्रेनेज का एग्जांपल क्या है, गंगा लिखो। इसी तरीके से कौन है, इंडस, इंडस में भी यही हो रहा है कि इंडस रिवर फ्लो कर रही है इस तरीके से आकर, उसकी जो प्राइमरी ट्रिब्यूटरी है चंबल वो यहाँ मिल रही है, और चंबल की जो बाकी ट्रिब्यूटरीज है वो आकर उसको राइट एंगल में मिलती हैं लगभग, ठीक है। तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों उसके एग्जांपल हैं। एक मेन रिवर है उसकी प्राइमरी ट्रिब्यूटरीज है, और उस प्राइमरी ट्रिब्यूटरी की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो उससे राइट एंगल पर मिलती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज। लिया, ओके, डायग्राम को बनाओ, डायग्राम से आपको सब समझ जाएगा, इसमें लिख लो, इसको लिख ही लो, ट्रेलिस को लिखवा देता हूं। इन दिस ड्रेनेज पैटर्न द प्राइमरी ट्रिब्यूटरी ऑफ अ मेन रिवर रन्स पैरेलल टू इट and the tributary of primary tributary and the tributaries of primary tributaries join it at the right angle, it at the right angle, clear hai? Example, Ganga, Indus, Brahmaputra, tino hi hai,
ठीक है। इसके बाद आता है आपका रेडियल ड्रेनेज। रेडियल तो बता चुका है, पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको। तो एक होता है रेडियल ड्रेनेज, जब क्या होता है कि कोई भी एक लैंड है, सपोज करो दिस इज लैंड, और उस लैंड पे सपोज करते हैं इस तरीके से कोई एक हाइटेड एरिया है, तो क्या हो रहा है, इस रीजन से सभी रीजन पे रिवर फ्लो कर रही होंगी। व्हेन फ्रॉम ए सर्टेन हिली और द हाईलैंड रीजन व्हेन रिवर ओरिजिनेट इन एंड फ्लोज इन द ऑल फोर डायरेक्शन दैट इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज। ठीक है, तो फ्रॉम एनी सेंट्रल पॉइंट और द हिली रीजन व्हेन रिवर फ्लो इन ऑल द फोर डायरेक्शन इट इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज। एग्जाम्पल इज आपको पता ही है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू क्लियर है सभी को। और एक होता है सेंट्रीपिटल ड्रेनेज। सेंट्रीपिटल ड्रेनेज इसमें क्या हो रहा है, अगेन इसी तरीके का एक लैंडफॉर्म है, ठीक है, इसके बीचों बीच एक डिप्रेशन हो रहा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है कि सभी डायरेक्शन से रिवर आकर इसी पे आकर अपने आप को ड्रेन कर रही है। ठीक है, तो व्हेन इन एनी सेंट्रल डिप्रेशन एरिया और द लैंड फॉर्म व्हेन द रिवर कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन ड्रेन इट्स वाटर इनटू दैट पर्टिकुलर रीजन इट इज नोन एज सेंट्रिपिटल ड्रेनेज। ठीक है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, लॉकटेक लेक मणिपुर। लॉकटेक लेक मणिपुर क्लियर है। महानदी बेसिन है वहां पर, ऐसा बेसिन में आ रहा है तो सब तो निकल जा रहे हैं ना एक को लेकर, अल्टीमेटली ये एक जगह में वहीं पर जमा हो जा रहा है, अब वो रिवर उसके बाद आगे नहीं बढ़ रही है। महानदी तो सबको लेने के बाद आगे बढ़ रही है ना खुद, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई भी रिवर हो वहीं पर आ जाए और वहीं पर आकर सब अपनी तरफ से, और एक रीजन हो जहाँ पर चारों तरफ से आ रहे हैं। अब आप इसमें अरेबियन सी नहीं बोल सकते क्योंकि उसके हर तरफ नहीं आ रहे होंगे, तो एक छोटा लैंड एरिया होगा, ओशन को नहीं देखते इसमें, वो एक लैंड एरिया होगा जहाँ पर हर तरफ से पानी आकर ड्रेन हो रहे होंगे, तो डेफिनेटली कोई लेक का रीजन ही हो सकता है। ठीक है ना, जैसे या तो फिर हम तो ब्रह्मपुत्र भी देख सकते थे कि ब्रह्मपुत्र की सारी ट्रिब्यूटरी एक ही जगह में आ रही है असम प्लेन में, पर असम प्लेन नहीं उसका एग्जांपल, क्योंकि वो तो रिवर फिर पानी को लेकर निकल जा रही है ना, यहाँ पानी जमा हो रहा है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा, एक लेक एरिया होगा। ठीक है, जहाँ पर पानी जमा हो जाएगी उसके बाद पानी का फ्लो आगे नहीं हो रहा होगा, जैसे कि आपका लॉकटेक लेक मणिपुर। क्लियर है, तो ये क्या थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न थे, एग्जाम में इतने में से ज़्यादा नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये क्या था आपका कॉन्सिक्वेंट, ये था एंटीसीडेंट, ये क्या था डेंड्रियाटिक, डेंड्रियाटिक के बाद क्या था पैरलर ड्रेनेज, पैरलर के बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज, ट्रेलिस, रेडियल एंड सेंट्रीपिटल। ठीक है, एग्जाम में गलती तो नहीं करोगे पक्का, इतना पता होना चाहिए कि एक रिवर फ्लो कैसे करती है, तो इट कुड बी ऑफ एनी काइंड। ठीक है ना, समझ आए, तो ऐसे कुछ वर्ड्स से कन्फ्यूज करके एक बार पूछ लिया था क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रीजन इज एन गंगा इज अ विच टाइप ऑफ ड्रेनेज, गंगा सोज द प्रेजेंट द विच टाइप ऑफ ड्रेनेज, रेडियल, कॉन्सिक्वेंट, एंटीसीडेंट और ऐसे कुछ दिया था, तो आंसर उसका कॉन्सिक्वेंट होता, समझ आ रहा है, और ट्रेलिस, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जितने एग्जाम्पल लिखा है उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रखना, बन जाएगा क्वेश्चन। मैनपुर, मणिपुर यार, मैनपुर तो कहाँ से, मणिपुर, इतना बड़ा गलती निकाल रहे आदमी, वाह, ऐसे वाला करते हैं, अरे बाप रे, अब तो गलती हो ही नहीं सकता मेरे साथ, तो बड़ा सोच सोच के ना, अरे कहाँ तो मणिपुर ही, तो लॉकटेक कहाँ से मैनपुर में आ गया, मैनपुर तो गरियाबंद में है, वहाँ कहाँ से लॉकटेक आ गया। ठीक है, ओहो, अरे हो गया बोलते बोलते, सॉरी। ठीक है, इतना खतरनाक गलती निकाला है, सच्चाई। हाँ सर,
ओवरफ्लो कैसे हो जाएगा? तो लेक का रीजन बढ़ जाए, बड़ा हो जाएगा और क्या होगा, ओवरफ्लो कैसे हो जाएगा? एक उसका भी एक वो होगा, लिमिट होगा, जहाँ तक वो आके भर रहे होंगे उतना ही भराया होगा। अब और ज़्यादा रिवर, रिवर में कितना पानी आ रहा है उसके हिसाब से होगा ना, ओवरफ्लो होगा तो फ्लड बनेगा ना, बगल में फ्लड डेफिनेटली होगा। ओवरफ्लो मतलब फ्लडिंग, फ्लड हो जाएगा, दुखी हो गया। ऐसा एक एग्जांपल ना लैंडलॉक सी भी है, जिसको बोलते हैं ब्लैक सी। ब्लैक सी में चारों तरफ से सी रिवर आके ड्रेन होते हैं, तब वो ओवरफ्लो कैसे होगा? पर उसमें क्या है, ब्लैक सी में हल्का सा उसका एक आउटलेट भी है, तो इसलिए ब्लैक सी को एग्जांपल में कंसीडर नहीं करते, नहीं करते, क्योंकि उसका एक आउटलेट है, ठीक है? तो उसका आउटलेट नहीं होना चाहिए, वहीं पर होना चाहिए। तो हो सकता है अगर पानी बहुत ज़्यादा गिरे, रिवर का फ्लो बढ़ जाए, तो डेफिनेटली होगा ओवरफ्लो, क्यों नहीं होगा? तो सिंपल सी चीज़ है ना, पानी भरेगा तो होगा ही ओवरफ्लो, नहीं भरेगा तो नहीं होगा। चलो खैर कोई बात नहीं, पर बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा तुमने, ठीक है? अब कटोरी में पानी डालते जाऊँगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा ना, थोड़ी ना सी कटोरी बड़ा होता रहे नीचे से, अब तू डाल के दिखा। ऐसा तो होगा नहीं, डेफिनेटली ओवरफ्लो होगा, सीधी बात है। चलो खैर कोई नहीं, होना चाहिए छोटे मोटे। चलो अब देखते हैं हम लोग ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये क्लियर हुआ? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, चलो खैर ठीक है, एक आध दो ऐसा डाउट भी आना चाहिए, क्लास में मज़ा उसी में आता है, ठीक है? ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है? तो अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम को पहले थोड़ा सा समझो और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? तो इंडिया का अगर हम लोग ड्रेनेज की बात करें तो इंडिया कुछ इस तरीके से देखो आप, है ना, जिसको हम लोग दो पेयर्स में क्लब करते हैं अलग अलग। डेटा बाद में बताता हूँ कि कौन बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या है, सब डेटा लास्ट में लिखवा दूंगा, ठीक है ना? एक शीट में पूरा डेटा ही रहेगा कि इंडिया की सबसे लंबी रिवर कौन सी, उसके बाद कौन सी है, हाइट के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से सब बता दूंगा, ठीक है? वो फैक्ट शीट होगा, पर फैक्ट शीट से पहले मेन चीज़ को करते हैं, ठीक है? ओके, तो इंडिया के कंप्लीट ड्रेनेज पैटर्न को हम लोग दो तरीके के ड्रेनेज उसमें ब्रेक करते हैं। एक को बोलते हैं हिमालयन रिवर सिस्टम। देखना कैसे कैसे इसका क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन क्या है, हिमालयन रिवर सिस्टम है, और दूसरा क्या है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, एक तो हो गया आपका ये क्लासिफिकेशन, हिमालयन और पेनिनसुलर। इसके बाद इसको और भी क्लासिफाई करते हैं, ठीक है? एक क्लासिफिकेशन इसका बनेगा अरेबियन सी में ड्रेन होने वाली रिवर, और एक बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर, ठीक है? तो ये बनता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऐसा दिखते हैं ये जो क्लासिफिकेशन है किसके बेसिस में, ऑन बेसिस ऑफ सोर्स। तो सोर्स के हिसाब से देखेंगे तो क्या क्या बनेगा, हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज। ऑन बेसिस ऑफ माउथ या ड्रेन, जब इसको ऑन बेसिस ऑफ माउथ और ड्रेन करेंगे तो क्या क्या बनेगा, एक तरफ बनेगा आपका अरेबियन सी ड्रेनेज, अरेबियन सी ड्रेन रिवर, और एक बनेगा बे ऑफ बंगाल ड्रेन रिवर। क्लियर है? तो एक क्लासिफिकेशन वो, दूसरा क्लासिफिकेशन वो। फिर हम लोग आते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। तो इसको भी हम लोग अलग अलग तरीके से ब्रेक करते हैं, ठीक है? अभी हिमालय को भी ब्रेक करेंगे, तो एक तो ये होगा अरेबियन सी, एक बे ऑफ बंगाल ड्रेन, ठीक है? अब हिमालयन रिवर सिस्टम को हम लोग ब्रेक करते हैं तीन स्मॉलर रिवर सिस्टम पे, ठीक है? इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, और थर्ड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, क्लियर है? फिर हम लोग देखेंगे किसको, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम को। तो इसको दो तरीके से ब्रेक करते हैं, एक करते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर, और एक है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। क्लियर सभी को?
ईस्ट फ्लोइंग रिवर एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर। हो गया, यहाँ तक क्लियर है? क्या अभी भी दिक्कत है? क्या हो गया? नींद आ रहा है? तो फिर सो लो। यही बोल सकता हूँ, आओ नहीं यार, ठीक है। ओके, तो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रेन या माउथ, क्लियर है? तो इस तरीके से आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बना रहा हूँ इंडिया के सारे रिवर्स, सारे मतलब सारे, नीचे से ऊपर बना दो। हाँ बताओ, हिमालय में हाँ होती है, बहुत कम होती है। मतलब ईस्टर्न हिमालय में तो अच्छी होती है, पर वेस्ट हिमालय में थोड़ा सा कम होता है, स्नोफॉल ज़्यादा होता है। स्नोफॉल होता है ना, स्नोफॉल तो हैवी होता है ना। अभी पढ़ेंगे ना वेस्ट, वो STWJ का इम्पैक्ट पढ़ेंगे, क्लाइमेट में आएगा सब समझ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। स्नोफॉल बहुत हैवी होता है ना, और दूसरी बात वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन है कि वो इतनी जल्दी मेल्ट भी नहीं होंगे, मेल्ट ही नहीं हो रहे ना, फ्रोजन टेम्परेचर है, जमे हैं तो मतलब जमे ही हुए हैं, ऐसा हो गया, ठीक है। अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। चलो नाउ विल सी द वेरियस रिवर्स ऑफ इंडिया। पहले तो एक सिंपल सी चीज़ देखेंगे, उसके लिए सबसे पहले एक टॉपिक बताता हूँ, इंडियन वाटर डिवाइड, जिसे क्या बोलते हैं, इंडियन वाटर डिवाइड। अभी सारा क्लासिफिकेशन वगैरह सब पढ़ाऊंगा, पहले समझो अच्छे से चीज़ों को। उसको लिख लिए थे? पहले ये सब चीज़ों को लिख लो, बेसिक चीज़ जो है, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे ना। एक चीज़ क्या है आपका, इंडियन वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड मतलब कि रिवर्स जो है वो उसको क्रॉस नहीं करते और एक तरफ ही फ्लो होते रहते हैं, इसका मतलब ये अच्छे से समझ आएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर इंडिया का एक बेसिक मैप देखें, ठीक है, छोटा सा मैप बनाता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं। बड़ी इंडिया की जरूरत तो ऐसे नहीं पड़ेगी मेरे को, ठीक है, कुछ इस तरीके से बना के। तो इंडियन वाटर डिवाइड पहली बात तो वो है, वो कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिससे आप देखोगे दिखेगा। तो जैसे कि यहां पर आपका क्या है, वेस्टर्न घाट, ठीक है, वेस्टर्न घाट के बाद यहां पर क्या आपका सतपुरा, सतपुरा के ऊपर यहां पर क्या है, विंध्याचल। एक्चुअली विंध्याचल एक्ट एज अ डिवाइड, सतपुरा एक्ट एज अ डिवाइड नहीं करता, बट वो भी उसका हिस्सा बन सकता है। उसके बाद यहाँ पर अरावली, ठीक है, और ऊपर क्या आपका हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। तो जितने भी रिवर्स हैं इनके हिसाब से ही बहती हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इंडियन वाटर डिवाइड में चार इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से आते हैं, तो एक आता आपका अरावली, हिमालयाज, विंध्याचल और वेस्टर्न घाट। सतपुरा नहीं आता उसका पार्ट में, लेकिन सतपुरा को हम कंसीडर कर सकते हैं, सतपुरा को लेकिन पार्ट में नहीं माना जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जो हिमालय के तरफ से रिवर्स आती हैं वो विंध्याचल को क्रॉस नहीं करती हैं और वो फ्लो करके ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है। तो गंगा, यमुना, ठीक है, इधर से अगर देखेंगे तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये क्रॉस नहीं करती हैं, वो सीधा क्या होता है, इधर से ही निकल जाती है, ठीक है। हिमालय से आने वाली यहाँ से रिवर कौन सी है, रामगंगा, ठीक है, गोमती, उसके बाद क्या है, घाघरा, उसके बाद गंडक, उसके बाद क्या है, कोसी, ये तो यहाँ पर बनना था ऐसा, ये आपकी तिस्ता, ठीक है। अब इसके भी ऊपर अगर देखेंगे तो बहुत सारी रिवर्स हैं, ये देखो यहाँ से आपकी क्या है, रिवर इंडस, ये है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, ये चेनाब है, उसके ऊपर आएगी झेलम, ठीक है।
आप मत बनाओ, देखो बस, बस आप लोग उस माउंटेन को याद रखना। आप लोग खाली इंडियन वाटर डिवाइन भी ये बनाना है, मैं बना रहा हूँ, आप बाद में एक एक करके आप सीखोगे, ठीक है। तो वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज हैं, फिर और भी इंडस की ट्रिब्यूटरीज यहाँ पर आएंगी, ठीक है ना, गिलगिट, बल्तिस्तान, श्योक, नुब्रा, ठीक है, बहुत सारे आते हैं यहाँ से। तो इस तरह से काफ़ी रिवर्स हैं, पढ़ेंगे एक करके सबके बारे में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखोगे अरावली, तो अरावली से यहाँ से निकल के आ रही होगी रिवर, अच्छा उधर ऊपर, ज़्यादा ऊपर से निकाल दिया सर, ये है आपकी रिवर लूनी, साबरमती, गुड, रिकॉल कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया है, माही, नर्मदा, ताप्ती, है ना, वहीं से क्या होगी ताप्ती, याद आ रहा है ना, जिंदगी आसान है अगर ये सब याद आ रहा है तो, ठीक है। आप बता पा रहे हो जहाँ तक, वहाँ तक मैं नहीं बोलूँगा, जहाँ नहीं बता पाओगे मैं बताऊँगा, ठीक है। फिर ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, दामोदर, दामोदर के बाद ब्रह्माणी, सुबर्णरेखा, महानदी, ठीक है, ब्रह्माणी, सुबर्णरेखा, महानदी, वह गई, ठीक है, वह गई, ऊपर से आज देखोगे वर्धा, ठीक है, पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, यहाँ से नीचे आएगी मंजरा, ठीक है, वो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है, क्लियर है। इसका दिया गया कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, ठीक है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे अर्कावती, हेमवती, सिमसा, ठीक है, तो अमरावती, तो इस तरीके से यहाँ पर कावेरी की ट्रिब्यूटरीज होंगी, क्लियर है। तो इस तरीके से पूरा इंडिया की क्या है रिवर्स। अब यहाँ से निकालेंगे एक एक करके रिवर, सबसे पहले यहाँ पर आएगी, सबसे पहले देखो ये रिवर, ये इसको बोलते हैं महादई, इसके बाद ये क्या है ज्वारी, ये क्या है मांडवी, इसके बाद यहाँ पर क्या है भारतपुजा, इसके बाद यहाँ पर क्या है, हाँ यार तो नीचे है ना, अभी तो ये कर्नाटक पहुँचे हैं, यहाँ पर भारतपुजा और यहाँ पर क्या है श्रावती, उसके बाद यहाँ पर क्या दिखेगा पेरियार, उसके बाद क्या दिखेगी पेन्नार, ठीक है, यहाँ से छोटी रिवर आएगी पेन्नार, तो ये क्या है इंडिया के सारे रिवर्स हैं, क्लियर है। तो मेजॉरिटी आपको पता है, ठीक है ना, फेमिलियर हो चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल फेमिलियर नहीं, क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से, तो देखो कभी भी ऐसा नहीं हो रहा होगा कि कोई रिवर इन माउंटेन्स को क्रॉस कर जाए, हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इंडियन वाटर डिवाइड, ठीक है। छत्तीसगढ़ में पढ़ा होगा कि मैनपाट के बगल से ही इंडियन वाटर डिवाइड क्रॉस होता है, क्योंकि वो क्या है मैनपाट, सतपुरा और ये मिलते हैं, यहीं पर मैनपाट है, ठीक है, तो ये रिवर कभी भी उधर क्रॉस नहीं करेंगे। सो दीज आर नोन एज द हिमालयन रिवर, दिस थ्री, ठीक है, बाकी सारा पेनिनसुलर रिवर है, दीज आर द ईस्ट फ्लोइंग एंड दीज आर द वेस्ट फ्लोइंग, दिज ऑल रिवर ड्रेन इन टू द अरेबियन सी, दिज ऑल ड्रेन इन टू द बे ऑफ बंगाल, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है। तो इंडियन वाटर डिवाइड स्पेसिफिकली अरावली, हिमालय, विंध्याचल और वेस्टर्न घाट बनाते हैं, सतपुरा आता है उसमें, लेकिन उसको कंसीडर किया नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि सतपुरा से ऐसा नहीं होता कि उसके कारण कुछ डिसाइड हो, बस उसके बीचों बीच एक रिफ्ट वैली और जहाँ से नर्मदा निकल जाती है, तो इसे सतपुरा को ऐसे कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो डिसाइड नहीं करता एक्चुअल में, क्लियर है। क्या चीज, ये तो पूरा हिमालय के ही ड्रेन है ना, ये पूरे हिमालय से ही आ रहे हैं, वाटर डिवाइड, हाँ तो ये तो पूरा हिमालय ही है ना, ये पूरा हिमालय ही तो है जहाँ से निकल रही है रिवर्स, तो हिमालय क्या कर रहा है उसके जैसे फ्लो है उसके हिसाब से वो फ्लो हो रहे हैं, जिधर फ्लो है तो एक्चुअल में निकल तो हिमालय से ही रहे हैं ना सारे, यहाँ तो ये पूरा हिमालय ही तो है ना, उसके हिसाब से ही तो सारा डिसाइड हो रहा है, क्लियर है। तो उसकी बोलते हैं द सेंट्रल इंडियन वाटर डिवाइड, कुछ भी होते रहता है, फिर क्या क्या लाइट देर आ गया,
डरता है, और क्या बोलूँ तुम्हें, बना लिए ओके। चलो अब एक एक करके रिवर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। सो ठीक है, अभी हमको सिर्फ इंडस चाहिए तो इतना ही मैप को, और बनाते हुए चलना साथ में। खेलो रंगोली, वही रंगोली खेलो ना, खेलते हैं, टेंशन मत लो, मेरे को पता ना एक कलर मिक्स हो जाता है, सारे रिवर को अलग अलग सतरंगी बनवा रहे हो। ये आपके शब्द थे या किसी ने बुलवाया था? आप ही किसने सुनिए, शब्द मेरे हैं, बोल वो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर है कैलाश माउंटेन पे, जिसका नाम क्या है, बुखारचू, या इसी को बोलते हैं बुखारचू, बुखारचू या बुखारचू। ठीक है, साथ बनाते चलना, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा ना। ठीक है, और ये जो बुखारचू ग्लेशियर का रीजन है, इसको बोलते हैं देमचौक, बुखारचू ग्लेशियर इन द देमचौक रीजन ऑफ तिब्बत। ठीक है, बुखारचू ग्लेशियर देमचौक रीजन ऑफ तिब्बत। ठीक है, यहाँ से निकलती है रिवर इंडस, और ये कुछ इस तरीके से फ्लो करते हुए जाती है। ठीक है, पोटवार प्लेट्यू के पास से धीरे धीरे ये पाकिस्तान की ओर मूव करती है। ठीक है, क्लियर है, तो ये क्या है आपके रिवर इंडस। ठीक है, तो इंडस जो है इसके ऊपर दिस पार्ट, दिस इज काराकोरम रेंज, और नीचे क्या है, लद्दाख रेंज। तो याद रखना इंडस फ्लोज बिटवीन द काराकोरम एंड लद्दाख। ठीक है, इंडस का फ्लो किस किस के बीच है, काराकोरम और लद्दाख के बीच है। बनाओ फटाफट, हो गया, चलो अब ये इंडस रिवर जो है इसके ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो यहां पर आपका सियाचिन ग्लेशियर, यहां पर कौन सा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से निकल कर आती है रिवर श्योक, इस रिवर का नाम क्या है, श्योक। ठीक है, और इधर से ही एक रिवर आती है जिसका नाम क्या है, नुब्रा, और जो श्योक जो है वो किसमें मिलती है, नुब्रा, नुब्रा। तो इंडस की एक ट्रिब्यूटरी ऊपर से आएगी, वो क्या है, नुब्रा। अब वो लेफ्ट बैंक है कि राइट बैंक है, कैसे बताओगे, क्वेश्चन ही आता अक्सर कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, कुछ नहीं करना है आपको, नदी में सीधा छलांग मार देना है और तैरना चालू कर देना है। जिधर आपका लेफ्ट हैंड आएगा वो लेफ्ट बैंक है, जहां आपका राइट बैंक राइट हैंड आएगा वो राइट बैंक है। अब नदी फ्लो कहां से करी, और सोर्स से माउथ देखना है ना, उल्टा मत देख लेना, मैं तो माउथ से निकल के आऊँगा, है नदी के बाहर छलांग नहीं मारना, नदी के ओर छलांग मारना है। ठीक है, उसकी फ्लो के साथ, तो नदी का फ्लो क्या है, इधर से इधर है, तो डेफिनेटली अगर आप छलांग मारोगे, ठीक है, तो ये आस्था छलांग मार दिए। ठीक है, अब देखते हैं बचाने कौन कूदेगा वो आगे के रिवर्स में, अभी तो फिलहाल आस्था छलांग मारेगी। ठीक है, गंगा में मारेगा देखना छलांग, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। ठीक है,
तो ये क्या है, ये इंडस में देखो राफ्टिंग करने के बिचारी भाग के निकल जाएगी यहाँ से। तो अब ये फ्लो कैसे कर रही है, ऐसे समझ रहा है ये। तो ये उसका कौन सा हाथ है ऊपर, ये उसका राइट है, और ये कौन सा हाथ है, तो जो ऊपर की ट्रिब्यूटरीज है वो कौन सी ट्रिब्यूटरीज होंगी, और नीचे वाली। गंगा कैसे फ्लो करती है, ऐसा। तो हाथ कैसा होगा, ऐसा, ठीक है ना। तो ये कौन सी होगी उसकी, ये कैसी होगी, ठीक है। तो लेफ्ट राइट के लिए आपको रटना उठना नहीं है, नदी का फ्लो देखो ओरिजिनल, कूदो, फैला दो हाथ, तैर पाओ तो ठीक, नहीं तो डूब जाओ। समझ आ रहा है, साइकिलिंग करेगा नदी में वो ऑप्शन नहीं दे पाऊंगा, ठीक है। ये अभी तैरने वाला है, तो हमेशा याद रखना कि ये राइट बैंक लेफ्ट बैंक रटने की चीज़ नहीं होती, बस याद रखना कि रिवर का फ्लो किधर है, आप जंप करो उसमें और रिवर आपको अपना फ्लो बता देगी। क्लियर है, ठीक है। तो ये देखो ये आस्था बढ़ रही है ना, नुब्रा के पास आ गई है, ये निकल गई, अरेबियन सी में गिरेगी सीधा, देखते हैं कोई अरेबियन सी से पहले बचा रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये यहाँ से बढ़ चुकी है, सबसे पहले क्या यहाँ पर, नुब्रा और शो, ठीक है। नुब्रा और शो के बाद इधर से इस रीजन से एक छोटी सी रिवर उल्टी आती है, इसमें मिलती है, इसका नाम है द्रास। कौन सी रिवर है, द्रास। कौन है यार इतना फोन क्यों करते, हेलो प्रिय ग्राहक, ठीक है। क्या है वहाँ पर, ग्रास, ठीक है। इसके बाद काराकोरम के पास से बहुत सारी रिवर्स आती है जो यहाँ पर मिलती है, इसमें एक ये है, इसका नाम है गार्स्तंग। क्या नाम है, गार्स्तंग, गार्स्तंग, GARSTANG। एक मिनट, इसको द्रास मत लिखो, द्रास एक ही आप, क्योंकि इंडस की एक ही तरफ नीचे से ट्रिब्यूटरी है, उल्टी बहने वाली इंडस की सिर्फ एक ही ट्रिब्यूटरी है और द्रास नहीं है, द्रास सीधी बहती है। इसको नाम लिखो सुरू, SURU, सुरू, सॉरी द्रास ऊपर से आती है ना, ऐसे करके आएगी ऊपर से, द्रास सुरू के पास ही, ये ऊपर वाली रिवर जो है, ये दिस वन इज द्रास, और जो नीचे से यहाँ से आई है ये क्या है, सुरू। कभी ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंडस की वो एक इकलौती ट्रिब्यूटरी कौन है जो उल्टा बहती है, वो कौन सी है, सुरू। इसकी फ्लो अपोजिट है ना, द्रास का फ्लो फिर भी सीधे ही है, द्रास का फ्लो थोड़ा सा सीधा है, ऐसा काट के ऐसे बना लो द्रास को, सीधा बना लो। तो ऊपर से आ रही वो द्रास है और इधर से जा रही वो क्या है, सुरू, ठीक है। ये कौन सी थी, गार्स्तंग। गार्स्तंग के बाद इधर से आएगी रिवर सिघर, SHIGER, सिघर। गार्स्तंग के बाद आएगी आपकी रिवर सिघर, ठीक है। इसके बाद आएगी यहाँ से रिवर इंडिया में जो फ्लो करेगी इस तरह से, इसका नाम है हुंजा, हुंजा। और जो लास्ट रिवर यहाँ आएगी उसका नाम है गिलगिट, गिलगिट, ठीक है। तो नुब्रा, द्रास, सिघर, हुंजा, गिलगिट, ठीक है। और इंडिया के बाहर से आकर एक रिवर मिल रही होगी काबुल, अब उसके बाद के रिवर याद नहीं करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, नुब्रा, द्रास, सिघर, हुंजा, गार्स्तंग, गिलगिट और काबुल। क्लियर सभी को, दिस वन इज गिलगिट, ये वाली गिलगिट है, बनाओ फटाफट। क्या हो गया इसको, हाँ काराकोरम रीजन से आ रहा है उसका, वो सब नहीं पूछेगा, बस आपको ही पूछेगा इंडस की ट्रिब्यूटरी क्या है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है ना। तो इंडस की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी थी, अभी देखा हमने, नाम लिख लो, है ना, इस तरह से आपको पता, तो यहीं पर ये सारे के सारे क्या थे, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज थे, ठीक है। अब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करते हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में पहले तो वो पंचनाद आएंगे, पंचनाद, वो फाइव रिवर्स है ना, कौन कौन से हैं,
झेलम, चिनाब, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। इसको छोड़े जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और है उसमें देख लेते हैं। तो उसमें एक तो दिख रहा है वहां सामने सुरू, एक है सोन, SON, पाकिस्तान की ओर है, बार बार पढ़ेंगे सुहान वैली, कहाँ पर हिस्ट्री में, तो वही सुहान वैली, और एक है जांस्कर रिवर। ये छोटी छोटी रिवर है, इन तीनों का उतना मतलब नहीं है, मेन का मतलब है, ठीक है। सो दीज आर द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, क्लियर है। तो उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, सुरू, सोन और जांस्कर को रहने दो, बाकी को अपन को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा आपको बताया था, सबसे ऊपर क्या आता है सीक्वेंस में याद रखना, नॉर्थ टू साउथ, सबसे नॉर्थ में क्या है, इंडस खुद है, इंडस के नीचे क्या बताया था, CJI चीफ जस्टिस है ना, तो जे से क्या है, झेलम, झेलम के नीचे क्या है, चिनाब, फिर चिनाब के बाद RBS रावी ब्यास एंड सतलज, क्लियर सभी को, ओके। तो इसके बाद आता है आपका पहला झेलम, कोई बताएगा झेलम का ओरिजिन कहाँ है, वेरीनाग, अनंतनाग, वेरीनाग, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आता है वेरीनाग, जांस्कर माउंटेन है, ठीक है, यहाँ पर क्या है ये, इसके बाद जांस्कर माउंटेन आता है इस तरीके से, ठीक है, जांस्कर के बाद यहाँ पर क्या है, ग्रेट हिमालयस, ये पूरा ग्रेट हिमालयस का पार्ट है, इधर आगे निकल जाएगा, ठीक है। आप हिमालय माउंटेन्स को मत बनाओ, आप के उसको रखो, माउंटेन्स आप मत बनाओ, नहीं तो आप कन्फ्यूज जाओगे। मुझे पता है माउंटेन बनते हैं इससे, मैं बना सकता हूँ, है ना, क्योंकि बीच से पासेस भी आएंगे, फिर आप कन्फ्यूज होगे। तो आप केवल रिवर्स को बनाना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आपका ग्रेट हिमालयस है, क्लियर हो रहा है। तो ग्रेट हिमालय के रीजन से ही अगर देखोगे तो यहाँ पर अनंतनाग के पास क्या आता है, वेरीनाग, वेरीनाग, ठीक है। और इसी वेरीनाग के पास से निकल कर जाती है रिवर, और ये वेरीनाग कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, याद रखना। अनंतनाग वेरीनाग का रीजन मानते हैं, लेकिन रीजन क्या कहलाएगा, हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है वो, तो हिमाचल प्रदेश में भी जाती है, 5 रिवर्स दैट एंटर्स इनटू द हिमाचल प्रदेश में से एक ये होगा, क्लियर है। भले कि वो पूरा दिखता है किसमें, जम्मू में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाती है। अनंतनाग पूरा कश्मीर में है, बॉर्डरिंग रीजन होता है, वेरीनाग जो है वो बॉर्डरिंग रीजन में लगता है, ठीक है ना, वो तो पूरा कश्मीर में है लेकिन वो बॉर्डरिंग रीजन में आता है। तो वेरीनाग के पास से यहाँ से रिवर निकल कर आएगी, इसका नाम क्या है, रिवर झेलम, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका, पीर पंजल, तो पीर पंजल और इसके बीच में यहाँ पर से निकल के जाएगी झेलम, और इसी के बीच के रीजन को बोलते हैं इसको वैली ऑफ कश्मीर, ये कहलाता है कश्मीर की घाटी, सोनमर्ग, गुलमर्ग सब यहीं पर है, ठीक है। तो ये रिवर आ रही है, इसका नाम क्या है, झेलम, क्लियर है। तो वेरीनाग से निकल के जहाँ से आएगी वो रिवर कौन सी है, झेलम, ठीक है। इसके बाद जाते हैं हम लोग मिडिल हिमालय से क्या बोलता है, धौलाधार, और वहीं धौलाधार के पास क्या है, बारालाचाला, पढ़े थे माउंटेन पास बारालाचाला, ठीक है। तो वही जो बारालाचाला है, बारालाचाला, ठीक है, इसी बारालाचाला के पास से दो छोटी छोटी रिवर ओरिजिनेट होती है, ठीक है। एक का नाम होता है चंद्रा, और एक रिवर नीचे से ओरिजिनेट होगी, इसका नाम है भागा, चंद्रा एंड भागा, और ये दोनों मिलते हैं और बनते हैं चिनाब। अच्छा ना, बारालाचाला पे ही मिलते हैं लोग, अब मैंने को दिखाना है आपको करके मैंने इसे दिखाया, बट आप याद रखना कि इनका कंजॉइन जो है वो बारालाचाला में ही बन जाता है, मतलब इस तरीके से पूरा पास है, तो एक यहाँ से निकलती पास के, दूसरे यहाँ से निकलती, और ये दोनों पास में ही मिलते हैं, ठीक है। तो कभी कभी ये लिखा होगा बुक में कि ये जो ओरिजिनेट होती है वो कहाँ से होती है, बारालाचाला से होती है, चिनाब, ठीक है। तो उसी माउंटेन पास में क्या मिलते हैं, दो हेडवर्ट ट्रिब्यूटरीज, ऐसे नदियों को क्या बोलते हैं, हेडवर्ट ट्रिब्यूटरीज। तो चिनाब की दो हेडवर्ट ट्रिब्यूटरीज हैं, जिनका नाम क्या है, चंद्रा एंड भागा, चंद्रा एंड भागा आपस में जुड़ती हैं और यहाँ से बनता है वो चिनाब, ठीक है। और चिनाब यहाँ से फ्लो करती हुई जाती है और जाकर किस पर मिलती है, इंडस पे। कौन सी रिवर कहाँ मिलती है वो सब आपको बाद में कराता हूँ, है ना। और यहाँ पर आकर मिलती है झेलम, पहले डायग्राम को अच्छे समझना क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
समझ आ रहा है? तो वो निकली थी कहाँ से? इंडस के रास्ते निकली थी, आस्था है ना। और दीपक निकला वेरी नाग, इसके रास्ते कौन सा है? झेलम। बेचारा इसको रिवर के बारे में पता नहीं था, झेलम आधे में रुक जाएगा। तो अब तुम बोट में गए हो, तुम देखो क्या तैरना जरूरी है क्या, है ना। शशांक था इस थोड़ा सा ज़्यादा होशियार, वो सीधा पकड़ा चेनाब, बोला मैं ही बचाऊँगा, अंत में तो पकड़ के ले आऊँगा, है ना। अभी एक जन नर्मदा से जाएगा, उसी को मिलेगी कराची में, ठीक है, टेंशन मत लो। देख लो कौन जाएगा नर्मदा, कराची पोर्ट में मिलेगी ये, क्योंकि ये तो निकल गई है बह के, समझ आ रहा है। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ध्यान रखना कि सबसे पहले क्या था, इंडस, इंडस के बाद क्या था, झेलम, उसके नीचे क्या है, चेनाब। यहाँ तक क्लियर है? ओके, थोड़ा सा यहाँ पर रुकते हैं ना और ऊपर चलते हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें किसकी, झेलम, तो झेलम के यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसको ध्यान रखना जरूरी है कि झेलम की एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आकर उसको मिलती है, इसका नाम है किशनगंगा, ठीक है, किशनगंगा। थोड़ा डिस्प्यूट है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी होगा, किशनगंगा, यहाँ पर रिवर किशनगंगा, ठीक है। झेलम की ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, किशनगंगा, क्लियर है। अब चलें हिमाचल प्रदेश रोहतांग पास, अब वहाँ से निकलेंगी सारी रिवर हिमाचल प्रदेश के रोहतांग पास से, पर उसके पहले थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर आपकी कौन से जगह है, नौकर चुके नीचे, यहाँ पर है आपका राक्कस लेक, राक्कस लेक, ठीक है। और इसी हिमालय में यहाँ पर कौन सा वो था स्पेसिफिक, कौन सा माउंटेन पास था, शिपकिला, पढ़े थे शिपकिला, ठीक है। तो इस राक्कस से ओरिजिनेट होकर इस शिपकिला से हिमाचल प्रदेश के रीजन में एंटर करते हुए रिवर फ्लो कराएगी पंजाब हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे यहाँ पे, और इसके बाद फिर ये फ्लो होते हुए आगे बढ़ेगी, ठीक है। चेनाब किधर है, और जाकर ये किसमें मिलेगी, चेनाब पे। एंड दिस रिवर इज रिवर सतलज, ठीक है, ये हमारी रिवर है, इसका नाम है सतलज। क्लियर है, दिस इज रिवर सतलज। बारला चला के नीचे देखोगे तो यहां पर आता है आपका रोहतांग पास, क्या आता है, रोहतांग, ठीक है। रोहतांग पास के साउथ में यहीं पर है आपका ब्यास कुंड, ब्यास कुंड रोहतांग पास में, और इस रोहतांग पास के ब्यास कुंड से निकलती है रिवर जो जाकर पंजाब हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर इसको बनाते हैं, ठीक है, यहां पर, यहाँ पर मिलती है और इसका नाम है ब्यास, ठीक है। ये ब्यास में यहाँ पर मिलती है, ये जगह कहलाता है हरिके, यहाँ पर क्या है, हरिके बैराज, और इसके जस्ट पहले यहाँ पर क्या है, भाकरा नंगल डैम, भाकरा नंगल, क्लियर है। और इसी रोहतांग पास के नॉर्थ रीजन से निकलती है रिवर रावी, रावी किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, सतलज, किसकी ट्रिब्यूटरी बताओ, तो वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की, और जस्ट वो जाकर पाकिस्तान पे जाकर निकल जाती है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपको पहले पूछेगा कि अमंग ऑल द पंचनाद रिवर Which is the only river which originate in India and abrupt in India? That is ब्यास, जो भारत में ही चालू होकर भारत में ख़त्म हो जाती है, वो ब्यास है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बाकी सब इंडिया या बाहर कहीं से भी ओरिजिनेट हो, कंट्री को क्रॉस कर रही है, ठीक है। जस्ट ड्रॉ इट, बनाओ फटाक से, बना लिए, फिर से बना लो ना, क्या दिक्कत है, खराब हो गए तो बनाओ, बनाना तो पड़ेगा ही लास्ट में। अभी तो ये बलुई कलर अलग रखो, तो कलर भी अलग है, अभी भी नहीं बना, ब्यास से नहीं बना, क्या नहीं बना, ये ब्यास कुंड है ऊपर, ये रोहतांग पास है, यहाँ से निकल कर आ रही है रिवर, ये है रावी, ये भी नहीं बना। दो फोटो लो, ज़्यादा फास्ट हो गया,
कौन सा मैप छोटा बन गया? तो मैं इतना पूरा बोर्ड यूज कर रहा हूँ, बोला हूँ इतना सा इंडिया क्यों बनाता, छोटा मैप बनाता ना मैं भी। लाओ अपना कॉपी लेके आओ, यहाँ रख के देखो तो इतने में आ जाएगा आपका कॉपी। तो मैंने इतने बड़े बोर्ड में उतना बड़ा बनाया है ना, आपको भी बनाना था ना वैसे ही, अपने कॉपी में इतना सा बना लिए, पेज बचा क्या करोगे? एक तो बर्थडे है तो भी पेज भी बचाना है, पार्टी भी नहीं देना है किसी को, है ना? अब बात कर रही है राइटिंग छोटा है, तो सबको पार्टी दो पहले तुम, क्यों बनता है सबका? देखो अगर कोई भी मना कर दे तो मैं मान जाऊंगा नहीं बनता, सब बताओ भाई बनता है कि नहीं पार्टी? ओ दे ठीक है, और पार्टी में तो चॉकलेट नहीं होता है ना, होता है चॉकलेट? शशांक को केवल चॉकलेट, हाँ हाँ पीने पानी, पीने के लिए पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ भी है, वो कहाँ बेचारे कुछ और बोल रहा है, समझदार बनाओ बनाओ बनाओ, नहीं बनाओगे सब तो कहाँ से बात बनेगी। चंद्र और भागा दो हेडवर्ड ट्रिब्यूटरीज ऐसे है, एक इधर से छोटी सी रिवर आ रही है, ये दूसरी आ रही है, मुनगा और बाहर मिलके मुनगा बाहर बनी थी, तो चंद्रा और भागा मिलकर, चंद्रा भागा मिलकर चेनाब बनती है। बीस नहीं है ब्यास, किसका? ब्यास कुंड रोहतांग पास, कुल्लू 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 मनाली के जो कुल्लू है वहीं से। ब्यास कुंड, ब्यास कुंड हाँ क्या रावी, रावी कुल्लू 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 हिल्स, ठीक है रावी प्रॉपर कुल्लू हिल्स है, ये क्या है ब्यास कुंड। हरी के पत्तन भी बोलते हैं उसको, लेकिन अब क्या करोगे उतना मत लिखो ना यार, कैसे पागल हो जाओगे ना तुम तो, फटाफट बनाओ लिखवाना भी है मेरे को अभी, नहीं हो पा रहा है, नहीं बना पाओगे, मत बनाओ नहीं बना पाओगे तो मैं यही बोलूँगा तो क्या बोलूँ मैं, रुको यार ये लो बनाओ, चलो ये इंडस है ऐसी पढ़ते हो ना तुम लोग ये इंडस है, ये चेनाब है, झेलम है, नहीं ठीक ये चेनाब है, ये झेलम है, ये वाला समझ आता है मैं क्या करूँ, इंडस चेनाब और झेलम, ठीक है अभी कहाँ गया चेनाब, अरे ये है सतलज, ये है ब्यास, ये है रावी, ठीक है अभी बन गया, हाँ ये लो शौक और नुब्रा, गरिस्तान गिलगिट हुंजा, ये कौन सी थी, शिगर, हाँ शोक भी रिवर, ये शोक है ये नुब्रा है शिगर, ये कौन सी थी नीचे से सुरु, ये क्या है द्रास, इधर से काबुल खुश, ये क्या है झेलम, ये कौन सी है किशनगंगा, इधर जा रही चेनाब, ये दो टो क्या है चंद्रा और भागा, ये कौन सा जगह है बारा लाचा ला, बारा लाचा ला, ये है आपका बोकरचू ग्लेशियर, ठीक है ये जगह है वेरीनाग, ठीक है वेरीनाग, ये कौन सी रिवर आ रही है रावी, रावी आ रही है, ये क्या है कुल्लू हिल्स, कुल्लू हिल्स रोहतांग पास जो है कुल्लू हिल्स में, ठीक है ये क्या है आपका ब्यास कुंड, इसी को बोलते हैं हरी के पत्तन, ठीक है इसका दूसरा नाम क्या है ब्यास कुंड का हरी के पत्तन, हिमाचल प्रदेश और पंजाब का बॉर्डर लगेगा हरी के पत्तन चंडीगढ़ के पास है, ये आपका हरी के पत्तन, और ये क्या आपका राक्षस जहाँ से निकली सतलज, क्लियर है।
और यहीं पर इसकी भी एक छोटी सी और ट्रिब्यूटरी, इसका नाम है स्पीति, स्पीति। अभी क्लियर है? अभी हो जाएगा ये वाला लेखा वाला, ठीक है? किधर क्या बोल रहे हो? लो भाई ठीक है यार, उतना अंडरस्टैंडिंग अभी लिखवाऊंगा तो आपको एक जगह आ जाएगा। वो नहीं पूछेगा कि पहले कौन मिलता बाद में कौन मिलता, ये ले खुश। कौन मारना, मारना हत्या कर दे। क्लियर है भाई? बना लोगे? तो अभी भी नहीं ना हो पाएगा, बन जाएगा। हाँ अब ये देखो, ये जो कौन सी रिवर है, झेलम है ना, ये किशनगंगा, तो ये बीच का रीजन कहलाता है कश्मीर वैली, वैली ऑफ कश्मीर, ठीक है? ये कुल्लू हिल्स दिख रहा है, इसके ऊपर का ये रीजन कहलाता है कांगड़ा वैली, कांगड़ा, गलत नहीं करना एग्जाम में। इसको बोलते हैं कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली, कुल्लू मनाली, मनाली हाँ मान गए, ठीक है? उसके यहाँ पर क्या है, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, और यहाँ पर क्या है नुब्रा वैली। अभी क्वेश्चन आ जाएगा कि अरेंज द फॉलोइंग वैली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे ऊपर यहाँ क्या है नुब्रा वैली, उसके बाद क्या है वैली ऑफ कश्मीर, फिर क्या है इधर बैठ जाओ इधर, और वहाँ से क्या, जब आपको पता वहाँ नहीं दिखता तो इतने सारे सीट से कहीं भी बैठ जाओ, उठो 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 उठो, इधर बैठो सामने, या तो जाओ वहाँ बैठ जाओ आदित्य के साथ, वैसे भी अकेला बैठा उधर, वो तो है आगे आदित्य तो कौन है, हाथ उठा दो, अरे बड़े भैया हैं जाओ वो वाला, हाँ ये यहाँ घुस जा रही है, वो क्या रहे, वो कौन है, विनोद सर आ गए क्या, ये कैसे, ये कब हुआ, बिना बताए आ गए मैं सोचा था आराम से पढ़ाऊंगा, अब मेरे को जल्दी खत्म करना पड़ेगा, एब्रप्ट एंड। विनोद सर ये ना लग तो वही रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं, ठीक है पढ़ो, क्या ये हो गया यार, इतना मत परेशान करो फालतू का। देखो नुब्रा वैली, कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, और नीचे क्या है आपका वैली ऑफ फ्लावर, और इसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखोगे तो दो छोटे छोटे वैली और हैं, ये वाला है पार्वती वैली और उसके जस्ट नीचे वाला है पिन वैली, पिन घाटी, ठीक है? तो पार्वती, पिन, कांगड़ा, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड, ठीक है? साइड में लिखो, साइड मार्जिन में देख रहे हैं, देखो देखो नुब्रा वैली एंड गलवान वैली लद्दाख, वैली के नाम लिख लो, ये प्री में आ सकता है ना, नुब्रा एंड, नुब्रा एंड गलवान लद्दाख, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर में ही होगा सीधी बात, वैली ऑफ कश्मीर, कश्मीर, वैलियों के नाम लिखवा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है? उसके देखोगे कांगड़ा वैली, कांगड़ा, कुल्लू, पिन एंड पार्वती, कांगड़ा, कुल्लू, पिन, पार्वती, कांगड़ा, कुल्लू, पिन, पार्वती, चार अलग अलग वैली हैं, कहाँ पर हैं हिमाचल प्रदेश। उसके बाद वैली ऑफ फ्लावर, स्पीति वैली, SPITI, स्पीति वैली, वैली ऑफ फ्लावर तो नंदा देवी ना, स्पीति वैली उत्तराखंड, ठीक है? ये वैली इसके नाम आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ओके। मेरे को तो इसको पढ़ाने में मन भी नहीं करता, मेरे को उसमें मज़ा आता है, थोड़ा ये जोन में लगता है, इसमें कंफर्टेबल चीज़ मेरे को ज़्यादा लगती है। हाँ हाँ ये ऐसा बनाना होगा एग्ज़ाम में, वो मत बना के आ जाना डोंग टाइप का, डोंग पढ़ाई बोलते हैं इसको, ठीक है? इसमें पता चल रहा है ना कि आपको नॉलेज है, अब दिख रहा है, देखो यहाँ कश्मीर वैली दिखा सकता हूँ, उसमें क्या दिखाऊँगा कश्मीर वैली को, कहाँ दिखाऊँगा, ठीक है? ओके तो क्या है, इस तरीके से सारे रिवर्स फ्लो करते हैं। अब सभी रिवर्स का डिटेल लिखना है, ऐसा तो नहीं कि हो गया रिवर पढ़ लिए ख़त्म हो गया, ठीक है? चलो लिखो फटाफट। हाँ इंडस रिवर सिस्टम तो ख़त्म करूँगा मैं 12 बजे चाहे 1 बजे,
वो एक से तीन पढ़ाएंगे, बिना बताया है, मेरी गलती थोड़ी नहीं। देखो इंडस रिवर सिस्टम, भागा भागा चंद्रा भागा, अभी सभी लिखवाता हूँ फिर अपने आप सब समझेगा। लिखोगे इंडस रिवर सिस्टम, लिखोगे इंडस रिवर सिस्टम, उसमें पहले लिखो रिवर इंडस, द रिवर इंडस ओरिजिनेट फ्रॉम द बुखारचू ग्लेशियर इन तिब्बत रीजन इन कैलाश माउंटेन, इन कैलाश माउंटेन। In the region of Demchok in Tibet, Kailash Mountain in region of Demchok, D-E-M-C-H-O-K. It runs northwest and enter into the Ladakh region of India. Where it flows between the Ladakh and Karakoram range. Where it flows between the Ladakh and Karakoram range. In the POK region near Potwar Plateau, Potwar, P-O-T-W-A-R, POK region near Potwar Plateau, the river Indus form the deepest gorge. River Indus form the deepest gorge, G-E-O-R-G-E. ठीक है, एक बहुत बड़ा गड्ढा बनाता है, deepest gorge of India. Deepest gorge of India. From the region of Potwar, it entered into the Pakistan. And flows through the Sindh region and drains its water in the Arabian Sea near Karachi. Arabian Sea near Karachi. ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है किसी भी रिवर का कोर्स को लिखना बोलते हैं इसको, द कोर्स ऑफ रिवर नियर कराची। ठीक है, तो देखो हमेशा रिवर को एक पैटर्न होता है पढ़ने का और लिखने का, कि पहले आप जो मेन रिवर है पहले उसको समझा दिए, उसके बारे में बेसिक चीज़ें बताएं, अब उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात करना चालू करोगे, ऐसे होता है ना। तो लिखोगे द रिवर इंडस इज जॉइंड बाय द वेरियस ट्रिब्यूटरीज विच इंक्लूड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज which include पहले नंबर वन द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सॉरी राइट बैंक लिखो पहले, विच इंक्लूड नंबर वन राइट बैंक को पहले लिखो, क्योंकि वो चार पांच हैं उसके नाम ही लिखने हैं, राइट बैंक उसमें डैश करके लिखोगे, श्योक, नुब्रा, गिलगिट, हुंजा, सिघर SHIGAR लिखवाया था ना, और गर्गिस्तान। गर्गिस्तान भी बोलते हैं उसको, और गर्स्तांग भी बोलते हैं, गर्गिस्तान या गर्स्तांग दोनों लिख सकते हो, गर्स्तांग या गर्गिस्तान। क्लियर है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, सॉरी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ओके, द रिवर इंडस कलेक्ट द वाटर ऑफ फाइव ईस्टर्न फ्लोइंग ट्रिब्यूटरीज विच आर नोन एज पंचनाद, जस्ट बिफोर मितानकोट। तो ये जो मिलता है ना एक्चुअल में चेनाब इंडस को, ये जगह का नाम क्या है, मितानकोट, जस्ट बिफोर मितानकोट। तो इंडस मीट
चनाब एट मितानकोट, MITANKOT. The Panchnath include river Jhelum, Chenab, Rabi, Bias and Satluj. The other left bank tributaries include Jaskar, Suru, Son, SOAN, Jaskar, Suru और Son. राइट बैंक में पाकिस्तान के रीजन में भी कुछ रिवर्स हैं, ठीक है. मुझे लगता है वो एग्ज़ाम में पूछेगा कि बता दूँ, छोड़ दूँ, सब बता दूँ, सब पढ़ना है, साइड मार्जिन में लिखना. पर राइट बैंक में जो पाकिस्तान में, लेफ्ट बैंक के तो इतना ही है, राइट बैंक जो लिखवाया ना उसमें साइड मार्जिन लिखो इन पाकिस्तान. राइट बैंक को ना, लेफ्ट को नहीं. अब तो राइट बैंक में पाकिस्तान में और कौन कौन सी रिवर है? स्वैट, SWAT, स्वैट रिवर. कुन्नार, KUNNAR. कुर्रम, KURRAM. गोमल, GOMAL. एंड काबुल. कौन कौन से हैं? स्वैट, कुन्नार, कुर्रम, गोमल और काबुल. हाँ ठीक है, पाँच चाहिए. याद हो पाएगा इतना सारा? इतना नहीं पूछेगा एग्जाम में कभी भी. प्री में आता है तो बस लिखा रहेगा, आप समझ जाओगे. अब ऐसा तो लिखा ही रहेगा, उतना तो समझ पाओगे. मेंस में आपको नहीं पूछेगा. मेंस में आपको मेजर रिवर इंडस को बनाओ, बहुत है. ठीक है, बना सभी को रिवर इंडस. उसके बाद सेकंड चलते हैं कल. पढ़ाई नहीं पाऊंगा अभी, क्या फिर उसके बाद ये पांचों को करना है होगा. छोटे रिवर्स को नहीं पढ़ना है, पर सारे मेजर रिवर को पढ़ना है. झेलम वगैरह को तो देखेंगे ना, झेलम, सतलज. इसका नोट्स दे दूँ क्या? नोट्स बना के देता हूँ, पढ़ लेना. लिखवाता नहीं हूँ और पढ़ा देता हूँ, बात तो वही है ना. बना तो दिया मैंने, बनाना ही तो था. ज़्यादा टाइम तो डिक्टेशन में ही जाता है, और उसको भी इतना धीरे धीरे बनाते हो, कैसे करूँ? कल प्रैक्टिस करके आना इसको, जो बोर्ड में दिख रहा ना इसको कल प्रैक्टिस करके आना सभी. हाँ तो ऐसे बोल रहे जैसे सब बना ही लेगी कला के, है बन जाएगा. तुमको तो मैं ताप्ती में बहाऊँगा. बच्चों अभी एक एक करके निकल रहे हैं ना लोग, अभी तीन लोग निकले हैं. मितानकोट में मितान बनना है, ठीक है. बचा लोगे कि नहीं देखते हैं अगले एपिसोड में, ठीक है. ये तो पीछे रह गया बेचारा, गलत नदी में कूद गया. इतना वो जाएगा लास्ट में नर्मदा से, कराची से उठा के लाएगा, ठीक है. खेला करो ऐसे सब्जेक्ट के साथ, खेला करो. सब आसान है, सब इंटरेस्टिंग है. नहीं खेलोगे तो बहुत हार्ड है. ये होता है, वो होता है, अरे पागल हो जाओगे पढ़ पढ़ के. हाँ क्या क्या साइकिल चलाएंगे? साइकिल तो इसको, साइकिल वाली तो कोई नदी ही नहीं है. छोटी मोटी देखते हैं कहाँ निकालेंगे इसके लिए. पर प्लीज़ देखो, इतना कम नहीं पढ़ सकते एक दिन में ना, थोड़ा सा फास्ट बनाना पड़ेगा. तो फिर बिना दिखाए पढ़ाऊंगा, फिर बिना बनाए मतलब सिर्फ पढ़ाते चलूँगा. थोड़ा सा फास्ट लिखा करो. चलो कल से लिखेंगे, कल लिखेंगे. मैं काम करता हूँ, रिवर्स आपको पूरा बनाना सिखाता हूँ और इसके नोट्स दे देता हूँ. हाँ तो मेरे ही लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स ही रहेगा, काहे टेंशन लेते हो? तो वो भी नोट्स तो हैंड रिटन ही रहेगा, उसमें थोड़ी ना कि पैर से लिखा हुआ है. हाँ तो सही लिखेंगे. क्या निकल गया? डैम चौक रीजन पूरा है, तब्बत का रीजन जहाँ से वो निकल रहा है, कैलाश रेंज के पास का.